नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि यूएसबी नोट रिकॉग्नाइज। ये एरर आ रहा है बहुत सारे लोगों के, तो उन लोगों को वो एरर क्यों आ रहा है, मोर को डिवाइस लगाते हैं या कोई दूसरी डिवाइस लगाते हैं या कौन सी भी डिवाइस लगाएं तो उसमें वो एरर आता है, तो उसका कारण क्या है। उसका कारण एक तो ये है कि आपका जो यूएसबी आगे वाला जो पोर्ट है ये ख़राब हो गया, या फिर जो आपका लैपटॉप का पोर्ट है यूएसबी पोर्ट वो ख़राब हो गया है। दोनों में से कोई ना कोई ख़राब है, तो उसको चेक कैसे करें। सबसे पहले तो आपको चेक कैसे करना है कि जैसे मान लो आप मोर्फो लगा रहे हो, ठीक है, मोर्फो लगा रहे हो तो उसमें दूसरी डिवाइस किसी की जो सही है वो मोर्फो लगा के डिवाइस उसको चेक करें लैपटॉप की। यदि वो एरर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि मोर्फो डिवाइस का जो पोर्ट है ये इसमें ख़राबी नहीं है, जो लैपटॉप का पोर्ट है वो ख़राब है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यदि मोर्फो डिवाइस लगाने के बाद वही दिक्कत न आए लैपटॉप के अंदर, यूएसबी नोट रिकॉग्नाइज यदि नहीं आता है तो इसका मतलब है ये पोर्ट ख़राब है, ये क्लियर हो गया इतना। तो इसको सही कैसे करें, तो सबसे पहले आप एक अपना यूएसबी पोर्ट है, फिर एक कोई भी जो सुई लेनी है या आलपिन ले लो या कोई भी ले लो, मेरे पास ये अभी नहीं मिला तो मैं इंजेक्शन जो नीडल है उससे आपको बता दूंगा क्या करना है। फिर एक आपको कैंची चाहिएगी, ठीक है, कैंची चाहिए, उसके बाद में आपको पेपर चाहिएगा, कोई भी पेपर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है किसी का भी, ये एक्स्ट्रा रफली पड़ा हुआ था तो इसको मैं ले रहा हूँ। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आपका जो पेपर है, ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूँ वीडियो को, ये जो पेपर है, ठीक है, इसको ये यूएसबी है, यहाँ से इतना इसके अंदर जाए, ज़्यादा टाइट में ना हो, इतना इसको काटना है। तो मैं इसको काट रहा हूँ, काट लिया, इसको इतना काट लिया, पेपर का काम हो गया, इतना काट लिया। अब इसको क्या करना है, इस प्रकार से डबल कर देना है, ठीक है, डबल कर लिया। अब इसमें ये देखिए थोड़ा सा टाइट हो रहा है, यहाँ डाल रहे हैं, थोड़ा सा टाइट है, तो इसको थोड़ा सा और काटते हैं, बराबर करते हैं, बराबर हो गया। आगे से भी इसको थोड़ा सा काट दो। अब यदि निडल आपके पास है या सुई आपके पास है तो उसको क्या करना है, यहाँ पे डालना है, मैंने इसको पहले से डाल रखा था, इसको निकाल देता हूँ, यहाँ पे इसको निडल को क्या है ऐसे डाल देना, डालने के बाद नीचे स्पेस निकल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी आलपिन लगा सकते हो या कैंची का भी इस्तेमाल करके डाल सकते हो। ये डालने के बाद ये जो पेपर है ये इसके नीचे डालना है, इसको निडल को निकाल दो धीरे से और ये पेपर जो है इसको अंदर, ये देखो निडल की सहायता से हमने इसको स्पेस कर दिया और इसको अंदर जाने दो। ये देखिए ये पेपर यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ जो यूएसबी पोर्ट गया ना ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ आने के बाद आगे जो बच गया लास्ट में इसको हम कैंची से ऐसे बिल्कुल सटा के काट देंगे, बिल्कुल ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब ये पोर्ट आप अपने लैपटॉप में लगाओगे तो जो यूएसबी नोट रिकॉग्नाइज का जो एरर आ रहा था वो 101% सोल्व हो जाएगा। फिर भी दिक्कत आए तो आपको एक ब्रश लेना है, कोलगेट वाला खराब ब्रश कोई भी ले लो, थोड़ा सा पेंट्रोल लेना है और उस ब्रश को पेंट्रोल में डाल के और इस प्रकार से इसको अंदर से साफ करना है, इसको भी करना है और लैपटॉप का जो ब्रश है, सॉरी लैपटॉप का जो यूएसबी पोर्ट है उसको भी इसी प्रकार से अंदर से साफ करना है। और लैपटॉप का जो पोर्ट होता है उसके अंदर चार वायरिंग है तो उसके नीचे थोड़ा ऊंचा उठा होता है वायरिंग चारों यहाँ से अंदर से, तो उसको क्या करना है धीरे धीरे से नीचे लेकर के उसको इस प्रकार से रगड़ के और थोड़ा थोड़ा उनको क्या है इस प्रकार से ऊंचा कर देना है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं करना, लेवल में रखना है दोनों सबको और थोड़ा थोड़ा ऊंचा करना है।
जो यूएसबी नोट रिकॉजन एरर आ रहा है वो 101% आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सूचना अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।